अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉल मी C888 C888 की फ्लैश फाइल किस तरह रीड की जाती है, कौन सी बूट इसको लगती है और ये इसका सीपीयू कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपके पास एसपीडी के यूएसबी ड्राइवर होने चाहिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेने हैं। उसके बाद मेरिकल का क्रैक, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वो भी आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, मेरिकल का क्रैक आपने डाउनलोड करके जैसे इंस्टॉल करना है तो उसको ओपन करेंगे तो ये जैसे आपको सामने नज़र आ रहा है ऐसे आपको नज़र आ जाएगा। इसके सामने अब आपने एसपीडी वाले जो खाना बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करनी है और रीड जो है ये रीड के ऊपर ऑलरेडी चेक हुआ हुआ है। अब इसके नीचे जो बूट होती है ये हमने सेलेक्ट करनी है 6631E6631E। ये जो बूट सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट का बटन दबाना है। अब दोस्तों, मोबाइल की भी एक बूट की होती है, वो आप गूगल से देख लें कौन सी बूट की है, या अगर आपके पास नहीं है तो आप बूट जिग बना सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बूट जिग के ज़रिए आपने डायरेक्ट केबल लगानी है तो ये पट्टी चलनी शुरू हो जाएगी। अगर बूट जिग नहीं है तो फिर आपको बूट की दबा के फिर से ये लगाना पड़ेगा। दोस्तों, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे बूट की ढूंढते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो अब दोस्तों, ये आप देख सकते हैं फाइल रीड हो चुकी है और इसका मैं ये नाम रीनेम करके तो सेव कर लेता हूँ, ये हमारे पास सेव होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए एएच कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।